इस्पात मजदूर मोर्चा ने ठेका मजदूरों के लिए 6 सूत्री मांगों को लेकर याद से भूख हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन बीएसएल प्रबंध के द्वारा यह आदेश आया कि इस विषय पर हम आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, क्या क्या मांग है। इन लोगों ने बताया कि जो ठेका मजदूर है उन लोगों की सुविधा दिया जाए, गैर छुट्टी दिया जाए, ऐसे तमाम मुद्दा है जिस पर बात करेंगे। इसी को लेकर आज जो भूख हड़ताल से जाने वाले थे उसको स्थगित कर 17 तारीख को इन लोगों को बीएसएल प्रबंध से वार्ता होगी, इसके बाद ही आगे का दिशा और दशा तय की। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। जी बताया जाए सर, किस चीज़ को लेकर के आप लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, प्रोग्राम जो कर रहे हैं? इस्पात मजदूर मोर्चा सीआईटी की ओर से आज एक धरना का कार्यक्रम, भूख हड़ताल का प्रोग्राम था आज 14 तारीख से 16 नवंबर तक, और ठेका मजदूरों के सवाल पर था। वो ठेका मजदूरों को भी 20% दुर्गा पूजा खर्चा पर बोनस मिले, उनका भी तनख्वाह का बढ़ोतरी हो, उनका भी केंद्र सरकार का जो मिनिमम वेज है उसको मिले, और उनका जो ग्रेचुटी है वो ठेका मजदूरों को मिले। ये सब 16-17 सूत्री मांग है जो बोकारो स्टील मरेन को उनको दिया गया। वार्ता हुई है क्या इसके कुछ? लिए एक 12 तारीख को चीफ जनरल मैनेजर पर्सनल के साथ हम लोग आ रही यूनियन का वार्ता हुई 12 तारीख को, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपका जो मांग है वो जायज़ है, इस मांग को हम लोग इस पर विचार करेंगे, बात करेंगे, इसलिए पहले हम लोग को आज बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, अगर बात से नहीं बनेगी तो फिर आप आंदोलन निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, पहले वार्ता करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने आज को 3 दिन का जो भूख हड़ताल का प्रोग्राम था उसको स्थगित किया, और आज साथियों को जिसको मालूम नहीं था उन लोगों को बताने के लिए यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा नुक्कड़ सभा किया है। एक मुख्य आज पर्पस यही था ठेका मजदूरों को सवाल लेकर, इनका भी वेज रिवीजन का सवाल है, बीएसएल का जो मजदूर है उनका भी वेज रिवीजन का सवाल है। मैनेजमेंट ने कह दिया साफ साफ, जो 9 तारीख को मीटिंग हुई थी 9 नवंबर को, उसमें कह दिया रिवीजन तो करेंगे लेकिन जिसको 4 साल का कोई एरियर नहीं देगा 2021 से लागू करेंगे। मतलब 4 साल अगर नहीं देते एरियर तब कम से कम एक मजदूर को 3-4 लाख से लेकर करीब करीब 20 लाख तक उनको एरियर के मद में उनको नुकसान होगा, जो मजदूर इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सारे मुद्दे हैं जिसको हम लोग चलते हैं। 26 तारीख को मेरा हड़ताल ऑल इंडिया का है, उसमें भी हम लोग सफल बनाएंगे, लोग मिलेंगे, और सब 16 तारीख को कमरेड डालो प्रसाद जो हमारे यूनियन का जनरल सेक्रेटरी थे उसकी हत्या हो गई थी और 98 में हुआ था, तो उसका शहादत दिवस हर एक साल मनाते हैं, और हम लोग इस साल यहीं पर शहादत दिवस इसी चीज़ पर आएंगे, शाम में 4 बजे से मनाएंगे, मजदूर लोग भाग लेंगे।